सो गाइस यार, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 14 के बारे में कि ओप्पो की कौन कौन सी डिवाइस को एंड्रॉयड 14 के अल्फ़ा वर्जन मिला और क्या क्या फीचर मिला और कौन कौन सी डिवाइस को अल्फ़ा वर्जन की अपडेट मिलने वाली है। तो पिछला कई बीटा अपडेट शायद आप अप्लाई करे हो तो ये भी सेम वही प्रोसेस पे अप्लाई करना होगा। यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाके सेटिंग ऑप्शन पे जाके आप फॉर्म फिलअप करके अपना अपडेट ले सकते हो। तो कई सारे डिवाइस को एंड्रॉयड 14 के अल्फ़ा वर्जन मिल चुका है, जैसे कि लेनो 8 प्रो, लेनो 8 5G, लेनो 10 और लेनो 10 5G। तो इस अपडेट की मैक्सिमम साइज़ है 6.34 GB और कई सारे डिवाइस पे 5.57, 56 ऐसे कुछ अपडेट की साइज़ होगा। तो अपडेट के डिटेल पे तो ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया, पर मैंने कुछ डिटेल निकाला है। यहाँ पर बताया गया है कि इम्प्रूव कंट्रोल सेंटर, तो कंट्रोल सेंटर को इम्प्रूव किया गया। तो आइकॉन को कस्टमाइज़ कर सकते हो, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, जहाँ पर आप लॉक स्क्रीन को बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो, और चार्जिंग एनिमेशन को चेंज कर सकते हो, और कुछ विजेट्स ऐड किया गया, और फोटो और वीडियो परमिशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया, और सिक्योरिटी और प्राइवेसी को इम्प्रूव किया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो और भी कई सारे फीचर है, जैसे कि कलर प्लेटलेट, लॉक UI इम्प्रूव, वॉलपेपर इमोजी, और भी कई सारे जहाँ पर फीचर्स को ऐड करा है इस अपडेट पे। तो आप भी अपना अपडेट अगर दे चुके हो तो यहाँ पर आपको ऐसे ही फीचर्स देखने को मिलेगा अपने मोबाइल पे। तो कौन कौन सी फीचर आपको बेस्ट लगी वो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो डिवाइस लिस्ट की अगर बात कर जाए तो अल्फ़ा वर्जन की जो डिवाइस लिस्ट है वो है ओप्पो रेनो 8T, जिसको अपडेट मिलने वाला है, 8T 5G, A78, ओप्पो A56s, ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप, ओप्पो फाइंड N2 और ओप्पो रेनो 9 प्रो प्लस। तो यह कुछ डिवाइस था जिसको कलर OS 14 के अल्फा वर्जन मिलने वाला है।